तो मैं रूम का प्राइस बताऊंगा। दो टू थ्री दिखाऊंगा जो रूम्स मिले हैं, जो बीच है ना, और जिसका प्राइस है तो एकदम आप देख के बोलोगे कि हाँ भैया बाहर घूम के आ रहे हैं। वो तो पहले बाहर गए हुए थे, बाहर घूम के आ रहे हैं सभी मंदिर। हाँ, मतलब इसका प्राइस देखोगे ना इस वाले रिजॉर्ट का, और जो बना हुआ है वो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। पहले रूम चल के दिखा देते हैं, फिर अपने पूल पे चलते हैं, फिर इसका प्राइस बताएंगे। यह है रिजॉर्ट का एरिया जिधर रूम्स बने हुए हैं, ये देखो पूरा, मतलब कि इस साइड ऐसे बहुत सारे रूम्स हैं, इस साइड भी हैं, फिर इस साइड भी है, एंड देन इस साइड भी। साइड का व्यू भी दिखाता हूँ मैं, अब रूम दिखाता हूँ मैं जो है। ये इसका रूम है, सभी कुछ अच्छा का दिया हुआ, टीवी देखो दिया हुआ है बड़ा वाला, ये सामान मेरा पड़ा हुआ है ऐसे ही इधर ये रहा, और ऐसा रूम है। वॉशरूम मतलब बहुत क्लीन था जब हम आए तो, अंदर मतलब कि डिओ डाल रखा था, अच्छा खासा स्मेल कर रहा था। हाँ, और इधर का थोड़ा सा ये पर विंडो दिया हुआ है, खुल जा भाई, खुल इधर। अब दिखाते हैं आपको यहाँ का स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट भी है, लेकिन रेस्टोरेंट का मतलब कि वो अलग है, थोड़ा सा दूर है। ये मतलब कि यहाँ पर रूम से एक साइड है, फिर दूसरी साइड जाके वो है रेस्टोरेंट है, फिर वहीं पर इनका स्विमिंग पूल है। काफ़ी बड़ा एरिया है, तो अभी मैं दिखाता हूँ स्विमिंग पूल, अभी पैदल पैदल जाना पड़ेगा वहाँ पर, मैं दिखाता हूँ स्विमिंग पूल कहाँ पर है। ये देखो ये हमारा इस साइड रुके हुए हैं, तो इस साइड चलते हैं पूल की तरफ। ये सारे इधर कॉटेज बने हुए हैं, काफी बड़ी प्रॉपर्टी है, अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है विला बनाते हैं लोग अपने अपने। तभी इसने विला के लिए जगह ले लिया, वहां पर कॉटेज बना दिया अपने लिए। कुछ साथ ही अच्छा सा बन रहा, पवन ये क्या होगा, होटल जैसा लग रहा है ना। हाँ, जहाँ से अपने एंट्री ली थी अभी किड्स के लिए, मतलब बहुत सोच समझ के इसको डिजाइन किया गया है। कितना बड़ा प्लेग्राउंड है इस साइड में। हाँ, इस पर रिजॉर्ट वाली फीलिंग भी है। यार ज्यादा लग रहा है। हाँ मतलब पेड़ पौधे ये कितना अच्छा करके लगाए हुए हैं। हाँ हाँ,
इधर एक स्कूल है, ये ग्लोबल विजन इंटरनेशनल स्कूल। और ये पहुंच गए हम अपने पूल साइड। पूल है इधर और यहीं पर ही रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट का जिस हिसाब से उन लोगों ने खाना दिया था, प्राइस तो उसके बहुत ही कम थे। इसका में डुबकी मारने का टाइम आ गया है। इस साइड ज्यादा है, इस साइड ज्यादा है, उस साइड कम है। ठीक है, अब आ गए, अब डुबकी मार लेते हैं पहले इसमें, फिर निकलने का प्लान है। मुझे भी देना था, मैं भी लगाऊंगा। हाँ, लेकिन जो डिजाइन क्या हुआ ना, मतलब कि पूरा इसको दिखाता हूँ, मैं पूरा व्यू दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, हाँ से लेके सही करके वहाँ तक तो पुली है, और डिजाइन देखो कटी वटी डाल रखी है आराम से लेटर्स पे आगे। तुम साफ पानी है, चलें। नारायण होली बीच प्रसादी घाट, विंडमिल भी है, काफी कुछ है। ये देखो अपना रहा बीच, चलते हैं बीच की तरफ। फोटोशूट पहले करा लो, आगे हो गया फोटोशूट तुम्हारे, चलें। हाँ बहुत खराब पानी है, मैं टेस्ट किया। हाँ तो भाई नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगा यार, नहीं यार, मेरा मन नहीं आने का यार, तू चला जा। पवन और बंडवल रेस करने वाले हैं, जो वहां पर ब्लू वाली पन्नी दिख रही है ना, ये वाली। हाँ नहीं, ब्लू वाली पन्नी दिख रही है वहां पर एंड में सामने। हाँ हाँ, इधर वाली, लेफ्ट वाली। हाँ, जो उसको छू के आएगा वापस आ रहा है। देख ना वो पड़ी है, तुम दोनों जाओ, मैं वीडियो बनाता हूँ। और ध्यान रखना, जो हारेगा वो पचास हजार देगा। ये लो लाइन बन गई, थ्री बोल रहा, थ्री थ्री से आ जाए आज तो पहले अगले। चलो एक रुक जा। हाँ, वन टू थ्री। अरे तो आके निकल गया वर्णवाल, लौट के आना है। बाबा जल्दी 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 वर्णवाल 50,000 हो गए। ओ भाई बोला था वापस लौट के आना है। पवन कैसा लग रहा है जीत के?
50,000 रुपए चलो आजा तेरी बारी है, आजा तू है बढ़ने वाली। मैंने बोला था मैं रूम का प्राइस बताऊंगा, तो ये रूम हमको दो रूम मिले हैं जिसमें कि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, तो हमको पड़ते 3,100 समथिंग जो इसका दो रूम सेम है, दोनों रूम ऐसे ही है, एक रूम हमारा ये था एक ये सामने वाला है, तो ये दो रूम का प्राइस 7,100 समथिंग कुछ रुपीज़ होंगे टैक्स लगा के। देख लेना ऑनलाइन ऑनलाइन ही था, हमने ऑफलाइन पूछा था तो मिला नहीं था कभी और, तो मतलब कि ये मुझे रिजॉर्ट बहुत अच्छा लगा। ठीक है,